नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स ऑफ बजाज ऑटो। जी हां, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना है तो हम आपको डिटेल बताते हैं और फिर रिजल्ट के बाद आगे क्या करना है। रिजल्ट पीछे की बात हो चुकी है दोस्तों, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आई है और फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये सब बताएंगे। इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम आपको कोविड का इम्पैक्ट भी बताएंगे, कैसे कोविड का इम्पैक्ट आगे आने वाले क्वार्टर में रहेगा, और इसका टेक्निकल बेसिस पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताएंगे, ताकि आपने नहीं बनाया है अभी तक इसमें स्टेक तो आप इतना शेयर खरीद सकते हैं और कितने पे आपको इसको बेचना है। फंडामेंटली गुड कंपनी है, आइए चलकर इसके बारे में पता करें कि हम क्या कर सकते हैं अभी स्टॉक में, आगे का क्या आउटलुक लग रहा है हमको यहाँ पर। तो जो लोग हमारे साथ में नए बने हैं पहली बार, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और अपने चैनल पर सबको स्वागत करता हूँ। अगर आपने चैनल नहीं देखा है हमारा पहले, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम टाइम टू टाइम सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहें। जी हाँ, आपको हम चैनल दिखाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे सब एक साथ, आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे और इसके साथ में आपको मिलेगा स्टॉक के एनालिसिस। हर स्टॉक के आपके पास एनालिसिस रहेंगे, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं और जो लेटेस्ट हॉट स्टॉक है उनके बारे में भी आपको बताएंगे, न्यूज बेस इन्फॉर्मेशन, साथ में एजुकेशन वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आइए चले हम पहले स्टॉक के बारे में देखते हैं। हमने स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखने की कोशिश की है अभी यहाँ पर, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर आप स्टॉक को देखें यहाँ पर, तो एक अपवर्ड चैनल में बना हुआ है, बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है इसने। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के रेफरेंस में, तो करीब 1000 रुपए का स्टॉक हुआ करता था ये 2010 में, और 2020 में आप देखिए ये 2900 के स्टॉक के आसपास चला हुआ है, तो 3 गुना कीमत दिखाई है इसने। इनफैक्ट कोविड का इम्पैक्ट अगर आप नेगलेक्ट भी करें, तो उसके बाद भी इसने 3 गुनी ग्रोथ दिखाई है 10 साल में। तो हर 3 साल, 3.5 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही है आपको, तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसने जो कोविड से पहले जो यहाँ पे चैनल को ब्रेकडाउन किया था, उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे आगे और आपको डिटेल बताएंगे आपको क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है इसका। तो देखिए, इसने यहाँ पर 2018 में ही इस चैनल को डाउनवर्ड कर दिया था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हुई, उसके बाद में चैनल के वापस आया यहाँ पर कोविड के चलते हुए फिर से इसमें एक फॉल आ गया है। अब इस फॉल को हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस से पहले आपको जरा बजाज के इन्फॉर्मेशन बता दें, ये स्कूटर बिजनेस में भी काफी अच्छे से है, शुरुआत इनकी स्कूटर से ही हुई थी, आपको याद होगा बजाज चेतक को उन्होंने न्यू रिफॉर्म करके इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, क्योंकि नाम उनका बहुत अच्छा है, शुरू से चल रहा है वो, तो उसके चलते हुए ये लोग बहुत अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि इसके इसके साथ में इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, 2 व्हीलर नहीं 3 व्हीलर 4 व्हीलर भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में, और बाइक रेंज इनकी काफी अच्छी है जो यूरोप में बहुत अच्छी तरह से फेमस है, और कार अभी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके 3 व्हीलर्स का प्रोविजन किया हुआ है इन्होंने अभी यहाँ पर, और इनके 3 व्हीलर्स इनफैक्ट साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हर जगह देखते हैं, जहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत है वहां पे जाते हैं, और आप चाहिए तो आपको फाइनेंस कराएंगे, आप चाहिए तो आपको डीलर बनना है तो डीलर बनाएंगे, तो ये सब फैसिलिटी इनकी साइट पर अवेलेबल है, आप जाइए तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके जो हमने आपको वीकली एनालिसिस बताया, अगर उसको हम थोड़ा सा जूम इन करें यहाँ पर और आपको फिबोनाची आर्च के बेसिस पे आपको बताया जाए कि अभी क्या बन रहा है इसका। अगर आप देखें तो 62% का जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो इसने 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले ही क्रॉस कर दिया था बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप देखिएगा, इसको दिखाते हैं, 2736 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि उसने 4th हफ्ते पहले बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बड़ी वॉल्यूम दिखाकर क्रॉस किया, और उसके बाद से ये उसके ऊपर मेंटेन है। अब आगे का आउटलुक क्या होगा ये हम बताते हैं। अब नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर्क के बेसिस पर इसका लेवल है 100% वाला। जी हाँ, 3300 का लेवल इसका अगला लेवल बन रहा है। नतीजे हम डिटेल में आपसे बात करते हैं अभी और बताएंगे क्या है इसका भविष्य बनने के लिए। तो इनकम की बात की जाए, इनकम 60% रिड्यूस हो गई है। जी हाँ, इस क्वार्टर टू क्वार्टर में केवल 3000 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हो पाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी करीब 53% डिक्रीज हुआ है। जी हाँ, आपको ये समझना है कि अगर इनकम 60% डिक्रीज हुई है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 53% क्यों रिड्यूस हुआ है, ये तो एक प्रोपोर्शनल में चलना चाहिए। इनफैक्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बताते हैं क्या किया है जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो करीब करीब 53% इनका घटा है सिर्फ, और जो इनकी वैल्यू आई है निकल के वो आई है करीब करीब आपके लिए 528 करोड़ की। जी हाँ, 528 करोड़ की क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है इनका यहाँ पर। अगर आप इनकी आगे की बात करें
तो आगे इनका जो बात बनेगी यहाँ पर हम आगे बताते हैं आपको, इनके कितने व्हीकल सोल्ड हुए हैं इस क्वार्टर में, उनके सिर्फ 4.4 लाख यूनिट सोल्ड हुए हैं कंपेयर टू 12.4 लाख जो पिछले क्वार्टर में सोल्ड हुए थे। अब आप समझिए कोरोना का इस कंपनी के साथ कोई कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, ग्रोथ कम हो रही है, समझ रहा है, सब शोरूम बंद है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर आप समझिए कोरोना का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसका, हम डिटेल में भी बताएंगे आपको, क्या पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये आपको सोचने की बात है इसको कोरोना का इम्पैक्ट के लिए। कंपनी ने बहुत अच्छा आउटलुक बताया है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव खबर रहेगी इसके लिए। और कुछ ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले जरा हम देख लें आज निफ्टी ने कैसे कारोबार किया, क्योंकि इसका ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था। हम लोगों ने अपने पेड सब्सक्राइबर को बताया था 12 बजे के आसपास आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, हमने लेवल दिए थे और दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए थे, हमने खुद ने 16,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। हमने अपना चैनल पे वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिटेल, कोई क्वेश्चन हो और आपको अगर आपको पैकेज लेना है तो आप बता दीजिए, हम आपको पैकेज का डिटेल्स बता देंगे। अब अगर इसका बात की जाए डेली चार्ट की, तो जब से इसने ये कोविड का लो बनाया है इसने फिर से एक छोटा अपवर्ड चैनल को रिज्यूम कर दिया है। जी हाँ, आप देखिए बड़ी अच्छी पैटर्न बना रहा है, कभी लोअर हिस्से में आता है, कभी अपर हिस्से में, कभी फिर लोअर हिस्से में, कभी फिर ऊपर जाता है, और अभी ये लोअर हिस्से में है। अब रिजल्ट के बाद थर्सडे को कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो देखना होगा क्या रिएक्शन होगा इसका स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हल्का सा पॉजिटिव व्यू है, हम बताते हैं क्या पॉजिटिव व्यू है आपको अभी रिजल्ट में। जो सबसे अच्छी बात है इनकी जो है, अगर आप सेल्स की ड्रॉप बात करें तो 30% ड्रॉप हुई है सेल्स जून के महीने में, पर जो इनकी अच्छी बात इनको हम बता रहे हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा इनका रेवेन्यू 60% डिक्रीज हुआ है पर सेल्स सिर्फ 53% डिक्रीज हुई है जो प्रॉफिट है। उसका रीजन क्या है, इन्होंने फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल किया है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट बात होती है किसी कंपनी के लिए, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कमिट की जा चुकी होती है पर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऑपरेशन कॉस्ट आपका कर सकते हैं, अगर आपका ऑपरेशन फैक्ट्री नहीं चल रही है तो बिजली कम हो जाएगी आपकी, वेजेस कम हो जाएंगे एम्प्लॉयज के अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय रखे हुए हैं, यूनिट पार्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो कम कर सकते हो पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंटल इनकम है या जो यूनिट का मेंटेनेंस जाता है, जो फीस जाती है, वो उसको कैसे कम किया जाए, उन्होंने उस पर बहुत अच्छी तरह सोच के इस क्वार्टर में उसको कंट्रोल किया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, मैनेजमेंट को आपको सराहना करनी पड़ेगी इस मामले में, फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल किया है। और उसके साथ में क्योंकि एड रिवेन्यू जब उनको पता है कि सेल्स कम है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना एड नंबर ऑफ एड्स और द प्राइम टाइम पे एड जाते हैं उनको कम कर दिया है ताकि उनकी एड कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। तो ये दोनों चीजें बहुत रिमार्केबल है, उनको सराहना करनी पड़ेगी उनकी मैनेजमेंट की इतना दूरदर्शी सोचने के लिए और उन्होंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट को फिर भी रीजनेबल रेंज में रखा है। अब अगर हम आगे बात करें स्टॉक के बारे में क्या भविष्य लगता है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ ना अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इंप्रूव कर सके, हम इंप्रूवमेंट के लिए आपके चाह रहे हैं। तो अगर आप बात करें इसकी मार्केट कैप की तो मार्केट कैप जो है 86,000 करोड़ की है, काफी हेल्दी कंपनी है, मार्केट लॉट सिर्फ एक का है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। जी हाँ, 10 रुपए की वैल्यू का स्टॉक करीब 3,000 के आसपास चल रहा है। अगर आप इसके डिविडेंड की बात करें, अच्छा डिविडेंड स्टॉक है, करीब करीब 1200% डिविडेंड दिया है, तो अगर आप डिविडेंड की दृष्टि से देख रहे हैं तो अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए हमारे हिसाब से। कहाँ खरीदेंगे वो हम डिटेल आपको बताएंगे। अब अगर इसके सेल्स की डिटेल बात की जाए, जैसा आपको बताया सेल्स काफी रिड्यूस हो गए, 53% 60% के आसपास नेट सेल्स रिड्यूस हुई है, पर इन्होंने अपनी अदर इनकम को भी, क्योंकि अदर इनकम कम हुई है, पर अगर आप एक्सपेंडिचर को देखिए यहाँ पर, ये चीज आपको समझने की बात है, टोटल एक्सपेंडिचर को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है, 5,600 करोड़ से 2,700 करोड़ का एक्सपेंडिचर उन्होंने कम कर दिया है, जिसके चलते हुए अगर आप प्रॉफिट में देखें, अब यहाँ पर जितनी रिडक्शन आपको यहाँ दिख रही है 60% की, उतनी नहीं दिखेगी, 1200 से केवल 500 के आसपास रिड्यूस हुआ है जी, 53%। यही यहाँ पे मैनेजमेंट की कंट्रोल का काम आता है, कैसे ग्रोथ आउटलुक बता रहे हैं वो सब काम आता है। तो हमारे हिसाब से मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, आप प्रमोटर का स्टेक देखिए, 53% प्रमोटर का स्टेक है, तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, प्रमोटर बहुत तरह से सक्षम है, उन्होंने प्लज किया हुआ है स्टॉक्स को, कोई 0% प्लज है तो कोई दिक्कत नहीं है। और FII और DII दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब करीब 30% की होल्डिंग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है प्रमोटर का, काफी हैंड है, FII का हैंड है, DII का हैंड है इसके चलते हुए, और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना हिस्सा बनाया हुआ है इसमें, तो इस वजह से काफी अच्छा आउटलुक रहेगा। अगर आप रिटेलर की तरह से काम कर रहे हैं तो आपको देखना है आपका कितना पोर्टफोलियो के हिसाब से ये स्टॉक जरूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। हम ये एडवाइस करेंगे आपको, कुछ लोग हमारे पूछते हैं कि हमें कोई मिनी स्टॉक बताइए, जैसे आलोक इंडस्ट्री हो गया या फिर रुचि सोया हो गया, हमने उसको स्ट्रिक्टली मना किया उन स्टॉक को आपके लिए, वो स्टॉक रिटेल के इन्वेस्टर के लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑपरेटर गेम चलते हैं। आपको स्टॉक वो देखना है जहां पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। आप 10 स्टॉक के बजाय सिर्फ एक स्टॉक लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी कंपनी का। मैंने TCS का वीडियो डाले हैं, मैंने
HDFC बैंक की वीडियो वाले हैं, अभी बजाज ऑटो का वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जिस पोर्टफोलियो में, जिस सेगमेंट में आपको जाना है उसमें जाइए, पर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप सोच रहे रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे और अलग इंडस्ट्री के शेयर आप ले लें 50 रुपए में और वो 500 रुपए का बिकेगा, पर हुआ क्या, आपको सबको पता है कि 30 के नीचे पहुंच गया है आलोक इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं बजाज ऑटो की और आपको बताते हैं कि फर्दर क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे आपको बताया चैनल का अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको आप ये कंटिन्यू रखेगा, वॉल्यूम के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखा जाए तो इसने काफी पहले से ही पॉजिटिव मोमेंटम बनाया हुआ है। एक बार जैसे उसने कोविड को क्रॉस किया, जी हाँ, यहाँ पर देखिए करीब अप्रैल 22 के आसपास इसने इसको क्रॉस किया था यहाँ पे, और तब से ये पॉजिटिव मोमेंटम में है। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रखा है। अगर आप डे ट्रेड भी करते हैं तो कभी इसमें शॉर्ट मत जाइएगा जब तक ये नहीं पैरामीटर का हो डेली टर्न पर। ये इसका बहुत ही अच्छा स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री सेगमेंट के लिए, पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, जिसके चलते हुए हम आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं किस लेवल पे आपको खरीदना है और किस लेवल पे आपको बेचना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आपको किस रेंज में खरीदना है। हम इसकी सलाह देंगे आपको दो स्टैगर्ड मैनर में खरीदने के लिए। कल तो हो सकता है ये थोड़ा एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा आपको यहाँ पे। जो आपको रेंज बताएंगे वो हम बता रहे हैं 2750 से लेकर, जो कि इसका 62% के आसपास फिबोनाची आर्च रिट्रेसमेंट है। अगर किसी वजह से ये इस लेवल पे आता है तो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको खरीद सकते हैं और ग्रेजुअली आप 2800 से लेकर 2750 के बीच में कितना भी क्वांटिटी आप इसको खरीद सकते हैं। तो जो हमारी रेंज है 2800-2825 के आसपास से लेकर 2750 के रेंज में आप खरीदना शुरू कीजिए, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम रहे। और रेंज के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके अपर सर्किट जो हम बता रहे हैं अपर लेवल, अगर आप 6 महीने का होरिजन रख रहे हैं तो 3300 के आसपास ये व्यू रहेगा। और अगर आप एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं, जी हाँ, तो हम बता रहे हैं 2013 के आसपास इसकी कीमत करीब 5500 की हम बता रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बता रहे हैं, मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव गेन करेगा। जैसे जैसे कोविड खुलेगा वैसे वैसे इसका भी रिजल्ट अच्छा आना शुरू होगा। अब आपको जरा एक दूसरे एंगल से समझिए, आपने देखा कोविड का इम्पैक्ट है, इनका सेल्स कम हो गई है, रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, समझ में आता है आगे क्या होगा। अब कोविड के चलते हुए जो लोग पहले बाइक नहीं रखते थे वो लोग थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, वो राधा दिन उनके फैमिली बोलेगी राधा दिन आप बस में जाने के आप अपने व्हीकल लीजिए और वहां पे जाइए। सबसे पहला इंपैक्ट आएगा ऑटो सेगमेंट में, और घर घर में बजाज होता है, आपको पता है बहुत ज्यादा रीच है इनकी, बहुत ज्यादा आउटलुक है, हर छोटे छोटे कस्बे में पहुंचे हुए जहां पे इनकी बहुत ज्यादा सेल्स होती है, इतने दूसरी कंपनीज का नहीं है। तो इस हिसाब से इसका इंपैक्ट हम आगे पॉजिटिव बता रहे हैं, जैसे इकोनॉमी ग्रोथ होगी, खुलना शुरू करेगी तो बजाज ऑटो की और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा खबर लग रही है हमको कि कोविड के जैसे ही खत्म होगा इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपके यहाँ शहर में बारिश हो रही है तो मैं उपेक्षा करता हूं कि आप चाय पकौड़े का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप बने रहिए चैनल पर, हम आपको पूरी खबर बताते रहेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको इंट्राडे में अभी तक, इवन दो इसने आज का अगर ट्रेड देखा जाए तो इसने थोड़ा सा नेगेटिव रुख दिखाया है, पर अभी भी इसका 15 डे के ईएमए के हिसाब से भी देखा जाए तो भी ये अभी सेल मोड में नहीं आया है। जी हाँ, और कल खबर के बाद में, क्योंकि जैसे इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन्होंने कम किया है, बहुत अच्छी न्यूज है, आउटलुक अच्छी बता रहे हैं और हमारे हिसाब से कोविड का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा आगे ग्रोथ के लिए। तो इस सब के चलते हुए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपना प्यार आने दीजिए। धन्यवाद, बाय।